नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए कुछ और नए और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पाइथन टॉपिक से, जो कि पूछे जा सकते हैं आपको आपने आने वाली एग्जाम राजस्थान कंप्यूटर टीचर्स की, या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 111 है, ऑलरेडी हम 110 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, और उसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मेंशन की गई है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो आप जाकर जरूर देखें। और क्वेश्चन नंबर 111 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ पाइथन दैट वी आर करंटली वर्किंग ऑन। जिस करंटली पाइथन के वर्जन पे हम वर्क कर रहे हैं, अगर हमें पता करना है कि वो पाइथन का कौन सा वर्जन है जिस पर हम कोडिंग कर रहे हैं, विच फंक्शन वी डू हैव टू यूज, sys.version 1, sys.version 0, sys.version, और ओनली sys.version। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज sys.version, एंड इन क्लोजर ब्रेसेस वी हैव टू राइट 1। सो इट इज गोइंग टू गिव अस द वर्जन ऑन विच वी आर राइटिंग द कोड। क्वेश्चन नंबर 112, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। सो बेसिकली पाइथन लैंग्वेज में अगर आपको फंक्शन लिखना है तो हम कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं। वी यूज DEF कीवर्ड, डेफ, राइट। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू द डिफाइनिंग एनी फंक्शन इन पाइथन। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, पाइथन सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एनोमनस फंक्शंस एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड, राइट। तो हम कौन से कंस्ट्रक्ट का यूज करके पाइथन में एनोमनस फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन जो होता है वो यह फंक्शन होता है बिना किसी नेम का, राइट, विदाउट एनी लिमिटेशन ओवर नेम एंड इट्स प्राइवेसी। सो विच कंस्ट्रक्ट डू वी यूज, पाई एनोमनस, एनोनिमस कह सकते हैं आप उसको, या लैम्डा, या नन ऑफ द मेंशन अबव। सो बेसिकली द कंस्ट्रक्ट इज लैम्डा, लैम्डा कंस्ट्रक्ट इज देयर जिसका हम यूज कर सकते हैं एनोनिमस फंक्शन को क्रिएट करने में, या आप ऐसा बोल सकते हो ये सपोर्ट करता है उसको। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। वेरिएबल नेम्स की अगर बात की जाए तो पाइथन के अंदर कौन सा ट्रू है, अंडर स्कोर एंड एम परसेंट आर ओनली द टू स्पेशल सिंबल्स, अंडर स्कोर एंड एम परसेंट सिंबल आर ओनली टू स्पेशल करेक्टर अलाउड, इट इज नॉट लाइक सो, इट इज नॉट लाइक सो, मेनी अदर आर ऑल्सो देयर विच इज अलाउड, राइट। ओके, ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडर स्कोर, नो इट इज नॉट लाइक सो, अनलिमिटेड लेंथ, राइट। बेसिकली ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट, नो एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑन लेंथ इज देयर, बट ए एंड सी आर डेफिनेटली फॉल्स एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115, वॉट आर द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। तो अगर ये जो फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं, लेट से पहले एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, जो एसोसिएटिविटी होती है जो क्लोजर ब्रेसेस इसकी ज्यादा होगी, एंड मैंने आपको बताया है अगर 3 × 2 का मतलब है 3 का पावर 2, दैट इज नथिंग बट 9। सो हियर इट वुड रिजल्ट 9 फर्स्ट, देर आफ्टर 2 × इट मीन्स दैट 2 to the power 9, दिस इज पावर। अगर हम डबल स्टार मार्क करते हैं, डबल स्टार का मतलब होता है पावर फंक्शन इन पाइथन। 2 to the power 19 इज नथिंग बट 512। तो पहला जो आउटपुट होगा वो आपका होगा 512। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपके हो गए नेग्लेक्ट। अब बात बची है कि अगले दो ए और बी में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसको अगर हम देखें तो पहले इसका जो है वो ज्यादा है प्रिसिडेंस, बिकॉज क्लोजर ब्रेसेस है 2 to the power 3, दैट इज नथिंग बट 9, एंड देयर आफ्टर पावर 2, दैट इज 9 to the power 2 इज नथिंग बट 9 9 जा, ओके 2 to the power 8 3 इज 8, 8 to the power 2, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। सो ओनली ऑप्शन ए इज सीम्स टू करेक्ट, बिकॉज 2 to the power 3 एंड इट्स पावर 2, तो 64 इज द करेक्ट आंसर। हाउएवर यू कैन चेक फॉर दिस आल्सो। सो हियर If you are going to see that we are only having multiple symbols and we are having, right, so the associativity is right to left.
3 to the power 2, that is 9, would be calculated first, and thereafter 2 to the power 9, that is 512. So if same operators are there, so the if this is there, then associativity matters. Associativity is from right to left. Okay, so option A is the correct answer. Question number 116, which of the following is the truncation division operator in Python? Truncation division operator, very very important question guys. Truncation division operator ka matlab hota hai ki let's say 2 and that operator is there, and let's say here is 3, let's say, and divide by let's say 2, correct? So it should give us 1. It should have to truncate the decimal places. So basically 3, and the correct symbol is this 2, what's less like this 2, it's going to give us 1. Or if we are having 5 divided by 3, it is going to give us 1. Or if we are having 20 and this truncate operator is there, and then if let's say if we are having 3, it is going to give us 6. So option B is the correct answer. It works as a truncation division operator, truncation division operator in Python. Question number 117, which of the following is the use of ID function in Python? Every object doesn't have a unique ID. ID returns identity of the object. All of the mentioned or none of the ID return identity of the object. Every object doesn't have unique ID. No, every object in the Python have unique ID. So option A is false, because every object basically have unique ID in Python. ID returns the identity of the object. Yes, B is correct. Question number 118, which of the following is not a core data type in Python programming? Ka kaun sa core data type nahi hai? Basically jo class hai ye user defined data type hai. It's user defined, right? Whereas tuples, list and dictionaries are core data types, built-in data types, right? So class is not a core data type in Python program. Question number 119, what will be the output of the following Python expression if x equals to 56.236 and print %2f, right? So it's meaning that we have to make the precision of decimal up to two places. It's like precision up to two places. So precision up to two places means 56.23. So B is correct. Agar iski jage 3 hota to pura hum likhte 56.236. Agar iski jage 1 hota to hum likhte 56.2. likewise, to ye precision hota hai ki kitna decimal point tak humko consider karna. And question number 120 is, which of this is the definition for packages in Python? A set of main modules, a folder of Python modules, a number of files containing Python definitions and statements, or a set of programs making use of Python modules. So basically, which of this definition of packages in Python? A folder of Python modules. Folder of Python modules is the correct answer. It is the correct definition. तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए. आने वाले वीडियोस में भी मैं सोच रहा हूँ पाइथन ही हम लेते हैं. एक बार इसको कवर करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पर जाएंगे या दूसरे टॉपिक पर जाएंगे या दूसरे चैप्टर की डिस्कस करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन पाइथन, एंड वन बाय वन हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करें, मॉक टेस्ट लगाएं और जल्दी से आप एग्जाम दें और आपका सिलेक्शन हो जाए. तो बेटर है कि आप स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपके कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आता है जस्ट आस्क एंड बी पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्सिव रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच, हैव वेरी नाइस डे. जय हिंद, जय भारत.